दोस्तों नमस्कार, मैं नरेंद्र मुखीजा अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, जैसा कि हमारे चैनल द्वारा दी जाती है आपको डेली अलवर अनाज मंडी भाव की जानकारी, और दोस्तों डेली अलवर अनाज मंडी भाव की सटीक जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें और दोस्तों हमारा हौसला बढ़ाते रहें। और दोस्तों अब चलते हैं अनाज मंडी के भाव की तरफ। तो दोस्तों आज है 22/7/2023, वार है शनिवार, और जान लेते हैं आज के अनाज मंडी भाव। दोस्तों सबसे पहले चलते हैं सरसों की तरफ। तो दोस्तों सरसों का भाव 5500 रुपये प्रति क्विंटल पहुंच गया है, जो कि कल का भाव और आज के भाव में स्थिर माना जाएगा। और देखा जाए तो ये सरसों के भाव में तेज़ी रही तो सबसे बड़ी रात की खबर भी ये मानी जाएगी। दोस्तों सरसों की आवक की तरफ चलते हैं, तो लगभग 7000 कट्टे के करीब आवक देखी गई है। अब दोस्तों चलते हैं गेहूँ का भाव। तो गेहूँ का भाव रहा 2185 रुपये प्रति क्विंटल, जो कि 2160 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़कर 2185 रुपये प्रति क्विंटल हो चुका है। इसके बाद चलते हैं बाजरे का भाव। तो बाजरा लगभग 1900 रुपये प्रति क्विंटल, जो कि स्थिर बना हुआ है और वह काफ़ी दिनों से स्थिर बना हुआ है। और इसके बाद जौ का भाव, जौ का भाव 1750 रुपये प्रति क्विंटल, ये भी स्थिर बना हुआ है। ग्वार का भाव, दोस्तों कल का जो भाव था 5500 रुपये प्रति क्विंटल, और आज भी 5500 रुपये प्रति क्विंटल है। और इसके बाद रह गया दोस्तों चने का भाव। तो चने का भाव 4900 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है। कुल मिलाकर कल जो भाव में सरसों, ग्वार और चने के भाव में तेज़ी देखी गई, वो आज के भाव स्थिर रहे। कुल मिला के ये भावों में तेज़ी भी रही। तो दोस्तों ये रहे आज के अलवर अनाज मंडी भाव। धन्यवाद।